दोस्तों गूगल मैप तो आप सभी यूज करते होंगे काफी लंबे समय से। हाँ, लॉकडाउन में हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे पहले हम लोग इस्तेमाल करते आए थे, उसके बाद में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गूगल मैप काम कैसे करता है, मतलब कि गूगल मैप को पता कैसे चलता है कि हमें इस जगह से उस जगह तक जाना है तो उसके बीच में कौन सा रोड खुला है, कौन सा रोड बंद है, किस पे ट्रैफिक है, किस पे ट्रैफिक नहीं है, और हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो भी गूगल मैप्स हमें दिखा देता है। तो आज बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफ़ी मज़ेदार लगने वाला है। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो सच में लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ जो गूगल करता आया है अपने मैप्स के साथ में हमेशा से, वो ये है कि जितने भी लोग गूगल मैप्स को यूज़ कर रहे हैं वो उन सबका डेटा लेता है। डेटा लेता है मतलब अच्छे काम के लिए, ऐसा नहीं है चोरी करता है, वो डेटा को लेता है। मान लो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ दिल्ली के लिए और मैं रास्ते में किस जगह पे मंदा चल रहा हूँ, किस जगह पे तेज चल रहा हूँ, वो सारा डेटा लेगा। ऐसे ही बहुत सारे यूज़र्स से, मुझसे भी लेगा और मेरे साथ में जितने और भी यूज़र्स होंगे आसपास के उन सबसे। तो जहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे हो सकता है जैम लगा हुआ हो सकता है, कोई किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया हो, या हो सकता है रोड की हालत बेकार हो, वहाँ पे मरम्मत चल रही है, टूटी फूटी है। तो इस सारे यूज़र डेटा को गूगल मैप इकट्ठा करता है और उसके बेस पर पता लगाता है कि एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है और आपको गूगल मैप्स पे वो सारी डिटेल्स अपडेट कर देता है। और दूसरी चीज की बात करें तो गूगल मैप्स क्या करता है, एक हिस्टोरिकल पैटर्न तैयार कर लेता है आपके पास एक्टिविटीज के बेस पे कि आप किस समय किस जगह से किस जगह पे गए। फॉर एग्जांपल, मैं अभी जहां पे रहता हूं वो हापुड़ सिटी है और यहां से मैं दिल्ली जाता हूं तो मुझे लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है, जो वेरी कर सकता है। अगर मैं सुबह में जाता हूं ट्रैफिक कम है, दोपहर में जाता हूं ट्रैफिक ज्यादा है, शाम में जाता हूं तो ट्रैफिक कई बार और भी ज्यादा हो जाता है। तो वो देख लेगा कि किस स्पीड से मैं कितने समय में यहां से वहां पे पहुंच गया हूं। बहुत सारे यूजर्स के बेस पे वो इस चीज को करता है और एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम हमारा पता लगा लेता है। साथ ही मशीन लर्निंग का वो इसमें इस्तेमाल करता है कि आपको अगर 10 बजे निकलना है तो 10 बजे आपका कितना टाइम लगेगा, 11 बजे निकलना है तो 11 बजे कितना ट्रैफिक होता है, आपको कितना टाइम लगा इस चीज में। और आपने देखा होगा कई बार आपको वीक का भी टाइम दिखाता है वो, कि मंडे में इतना ट्रैफिक रहता है, ट्यूसडे में इतना होता है, वेंसडे में इतना रहता है, और टाइम भी उसके साथ में दिखाता है कि सुबह 6 बजे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, कम ट्रैफिक होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने गूगल मैप्स में भी कई बार देख सकते हो और इन्हीं के बेस पे गूगल मैप्स आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाता है। और एक और चीज़ का गूगल मैप्स यहाँ पे इस्तेमाल करता है, वो एक कंपनी है डीप माइंड, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है जो इन चीज़ों पर रिसर्च करती है। तो उसके साथ में गूगल ने टाई अप किया हुआ है और उसकी मदद से गूगल अपना जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है ना, कि कितने टाइम में आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाओगे, उसको काफ़ी हद तक बेहतर कर पाता है। वो कंपनी मदद करती है गूगल की सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में और रिसर्च करती है मशीन लर्निंग के थ्रू, AI के थ्रू, कि आप किस समय निकल रहे हो, कितना समय आपको लगेगा, किस जगह के लिए जा रहे हो, कितना ट्रैफिक है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे गूगल एक चीज़ और इस्तेमाल में लेता है, वो है पुराना डेटा। पुराना डेटा मतलब गूगल कोई आज तो आया नहीं है मैप्स को लेकर के, तो पिछले 13 सालों का डेटा गूगल इस्तेमाल करता है। पिछले 13 साल में किस महीने में, किस वीक में, किस दिन, किस टाइम कैसी चीज़ें रही थी, उस बेस पे भी गूगल प्रिडिक्ट करता है। उन सब चीज़ों का एवरेज वो निकालता है कि भाई हाँ, इस टाइम पे ये चीज़ें ऐसी होती हैं। मान लो कोई फेस्टिवल सीज़न आ गया और फेस्टिवल सीज़न हमारा पड़ता है अक्टूबर में, दिवाली आप मान लो, तो रोड पे जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहने वाला है, लोग अपने अपने घर जाते हैं, अपने ऑफिसेज से या फिर अपने बिजनेसेस से, तो उस चीज़ को भी गूगल यहाँ पे इस्तेमाल में लेता है। और नॉर्मली अगर सुबह हुआ की बात करें तो सुबह में 4, 5, 6 बजे के आसपास इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। तो वो चीज़ 13 साल से हमेशा गूगल देखते हुए आया है, उसको आज भी वैसी ही लगती है। तो पुराने डेटा का एक एवरेज गूगल निकालता है और वहाँ पे उसका इस्तेमाल करके भी अपने डेटा को एक्यूरेट बनाता है। और यूज़र डेटा में गूगल क्या कुछ चीज़ें और करता है वो भी आपको बता दूँ। तो देखो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, कौन सा यूज़र कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितने समय में पहुंच रहा है, और अभी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, रुकी हुई है, धीमे धीमे चल रही है, किस रूट से वो जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी एक मेन फैक्टर है जिनकी मदद से गूगल पता लगाता है कि रोड की क्वालिटी कैसी है। जैसा अभी मैंने पीछे आपको बताया, रोड में गड्ढे हैं या फिर रोड एकदम प्लेन है या फिर वहाँ पर किसी तरह का कोई बैरियर लगा हुआ है या फिर कोई जो बोलते हैं ना कई बार आपके रास्ते डाइवर्ट कर देते हैं, वैसी कुछ चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स से डेटा वो लेता है, फेच करता है, फिर उसका एक एवरेज निकालता है और आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है किसी भी जगह पे पहुंचने का, उसको भी इंप्रूव करता है। और एक और चीज जो गूगल करता है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बारे में एक चीज पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, अब जो मैं बताने वाला हूं ये है, आपने देखा होगा कई बार जब गूगल आपको कोई भी रास्ता बताता है तो आपके पास में एक से ज्यादा चॉइसेस होती हैं।
मान लो आपको किसी भी जगह जाना है तो आपके पास में 2, 3 या फिर 4 रास्ते भी वो कई बार दिखा देता है। वो ऐसा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके करता है। और क्यों करता है, आप किसी रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते पे कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा रुकावटें आ जाती हैं, जगह जगह पे ट्रैफिक हो गया या फिर जगह जगह पे कई तरह के बैरियर्स लगा देते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए तो सारी कैलकुलेशन गूगल करता है डेटा के बेस पे, और वहाँ आपको बताता है कि कौन सा रास्ता आपको कम समय में पहुँचा देगा और कौन सा रास्ता सबसे ज़्यादा क्लियर है जिस पर ट्रैफिक वगैरह ना हो। तो इसके लिए गूगल मैप्स मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है और आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। और एक और चीज़ जो आपने अक्सर देखी होगी उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, वो है ट्रैफिक के लिए आपको जो अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। अगर रोड बिल्कुल क्लियर है तो आपको ब्लू देखने को मिलता है, अगर वहाँ पे हल्का फुल्का मॉडरेट ट्रैफिक है तो आपको ऑरेंज देखने को मिलता है, और जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा कलर उतना ही डार्क हो जाएगा, मतलब आपका कई बार रेड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो ज़्यादा ट्रैफिक में होता है। अब इसका भी सीधा सीधा वही फंडा है, कहाँ पे गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा देर तक रुकी हुई है, कितनी मंदी स्पीड से चल रही है, कितनी तेज़ स्पीड से चल रही है, इस डेटा का कैलकुलेशन गूगल करता है और आपके सामने रिजल्ट्स शो करता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं अपने गूगल मैप्स को अपने फ़ोन में इस्तेमाल करता हूँ तभी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। आपके फ़ोन में सिर्फ इंटरनेट जो है वो एक्टिव होना चाहिए, आपकी जो GPS लोकेशन है वो एक्टिवेट होनी चाहिए, और सारा काम करती है आपके फ़ोन में जो पड़ी होती है गूगल सर्विसेज, वो हमेशा एक्टिवेट रहती है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को कर लेती है। आपके फ़ोन में 2 चीज़ें इनेबल हैं, ज़रूरी नहीं है आपने मैप चलाया हुआ है नहीं चलाया हुआ, वो बैकग्राउंड में सारी चीज़ों को आपसे रिसीव करता रहता है और उसका सारा कैलकुलेशन गूगल लाइव टाइम पे करता रहता है और अपने यूज़र्स के साथ में शेयर करता रहता है। तो ये फंडा था गूगल मैप्स के काम करने का, कैसे वो आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है और क्या कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। मन में कोई सवाल है, सुझाव है, कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।